खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करा दूं। मैं हूं रूपाली, आपके मनपसंद शो अक्सर रसोई की मेज़बान। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही लजीज वेजिटेरियन डिश सिखाने वाली हूं, जो है पनीर शाशलिक। आज की मेन रेसिपी है पनीर शाशलिक, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पनीर को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए हंकर्ड, इसके बाद हमें चाहिए एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी का, और उसके बाद यहाँ मैं ले रही हूँ रेड चिली पेस्ट। ये मैंने सूखी लाल मिर्च से पेस्ट बनाया है। इसके अलावा हमें चाहिए एक छोटा चम्मच नमक का, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच तंदूरी मसाला, एक छोटा चम्मच नींबू का रस, और थोड़ा सा हरा धनिया एक छोटे चम्मच के आसपास। और कलर के लिए आप इसमें तंदूरी कलर डाल सकते हैं। अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा तेल, ताकि जब हम इसे पकाएं तो ये थोड़ा सा ड्राई ना हो। यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, तो एक से दो छोटे चम्मच मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तो आइए इसमें डालते हैं पनीर। यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे आप। ये 7 से 8 पनीर के टुकड़े हैं। और ये है इसमें शिमला मिर्च, ये मैंने पीली शिमला मिर्च ली है थोड़े से कलर वेरिएशंस के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिर्फ हरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खैर अभी तो हम साथ में हरी भी डाल रहे हैं। इसके अलावा हम डाल रहे हैं इसमें एक टमाटर, और ये डालते हैं हम इसमें प्याज। प्याज को हमने बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है, ऐसे आप इसकी लेयर सेपरेट करके इस तरीके से डाल सकते हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जो लोग इसमें वेरिएशन चाहते हैं वो लोग पनीर की जगह मशरूम्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो रेसिपी हो जाएगी मशरूम शाशलिक। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी कलरफुल बना है हमारा मिक्सचर। तो अब इसको हमने मैरिनेट कर दिया है, तो तकरीबन आप इसे रखेंगे 15 से 20 मिनट तक। तो इसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और आप देख लें कि मैरिनेशन के बाद ये कुछ इस तरह का लगेगा। तो अब हम इसे पका लेते हैं। चाहे तो आप इसे पैन में पका सकती हैं, लेकिन पैन नॉनस्टिक होना चाहिए। तो सबसे पहले पैन गरम कर लेते हैं। इसमें डालें थोड़ा सा तेल, इसके लिए भी आप ऑलिव ऑयल या बटर ले सकते हैं। काफ़ी कम क्वांटिटी में आप तेल डालें, और इसको अच्छे से पूरे पैन में ब्रश कर लें। तो जब तक ये तेल गरम हो रहा है, तो हम ये जो शाशलिक बनाया है हमने, इसको सीख में डाल लेते हैं। तो आप अल्टरनेट कलर्स इसमें डाल सकते हैं, जैसे मैंने पहले ग्रीन शिमला मिर्च डाल दिया है, अब पनीर डाल दिया, फिर येलो कैप्सिकम डाल दिया, और अब एक टमाटर का पीस डाल देते हैं। इसके बाद डालते हैं प्याज, और फिर से एक पीस पनीर का ले लेते हैं, और एक शिमला मिर्च। साथ साथ में इसको इस पर रख देते हैं। इस तरीके से सारी सीख पर हम कर लेंगे। इसको साथ साथ में आप चेक करते रहें कि एक तरफ से जल नहीं जाए, चारों तरफ से इसे पकाना है। तो
पनीर देखिए हो चुका है, मैरिनेट इसका ड्राई हो गया है, वेजिटेबल्स भी कुक हो गई हैं, तो अब इसे निकाल देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए शाशली ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, थोड़ा सा ही तेल काफी है इसमें, एक बड़े चम्मच के आसपास। और यहाँ मैंने लिया है कद्दूकस किया हुआ प्याज, और ये प्याज इस तेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों इसे तब तक कुक करना है जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसे हिलाते रहें साथ साथ में कि प्याज नीचे नहीं चिपके, क्योंकि हमने तेल थोड़ा कम डाला है, कद्दूकस किया हुआ प्याज काफ़ी ज़्यादा तेल लेता है। तो दोस्तों देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज, इसे ज़्यादा ब्राउन ना करें। अब इसमें डालें आधा चम्मच नमक, नमक थोड़ा कम साइड पर ही रखें क्योंकि इस रेसिपी में सोया सॉस भी है, और सोया सॉस जो है काफ़ी सॉल्टेड होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब डालते हैं थोड़ी सी काली मिर्च, 1/4 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, और डालते हैं थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जले नहीं। इसमें 1 बड़े चम्मच के आसपास मैंने पानी डाल दिया है, और अब इसमें डालते हैं ये टमाटर का पल्प है, ये टमाटर मैंने कद्दूकस किया हुआ है, तकरीबन इसमें 1 कप टमाटर का पल्प है। 1 कप टमाटर के पल्प के लिए आपको 3 बड़े टमाटर चाहिए, और इस टमाटर के पल्प के साथ साथ हम इसमें डालते हैं टोमेटो केचप, इसको थोड़ा सॉसी टेस्ट देने के लिए, और टैंगी भी बनेगी ये ग्रेवी। तो आप 1/2 कप इसमें टोमेटो केचप डाल दें, और अब डालते हैं हम 1 छोटा चम्मच चिली सॉस का, यहाँ मैंने रेड चिली सॉस ली है। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है, तो जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में आपको रेड चिली पेस्ट बनाना सिखाया था, तो आप वो भी डाल सकते हैं। और डालते हैं इसमें 1/2 चम्मच सोया सॉस, ये डार्क वाली सोया सॉस है जो कि हम चाइनीज़ कुकिंग में यूज़ करते हैं। इसको थोड़ी देर पकाएं जब तक कि टमाटर पक ना जाएं। तो दोस्तों देखिए टमाटर कुक हो चुके हैं, और फ्लेवर के लिए डालते हैं इसमें थोड़ा सा धनिया, ये कटा हुआ धनिया है, ये शाशली ग्रेवी जो है अब तैयार हो गई है। गैस बंद कर देते हैं। तो अभी हम सर्व करेंगे इसको राइस के साथ, तो लेते हैं इसका प्लेटर। यहाँ प्लेटर में मैंने पहले से ही राइस जो है बॉईल करके रखे हुए हैं। ये शाशली ग्रेवी हम बोल के अंदर डाल देते हैं इसके साथ सर्व करने के लिए। थोड़ा सा ऊपर धनिया गार्निशिंग के लिए, और एक हरी मिर्च लगा देते हैं कटी हुई। तो अब इसमें पनीर शाशलिक भी अरेंज कर देते हैं, ये पनीर शाशलिक जो हमने ग्रिल किया था, इस तरीके से हम इस पे अरेंज कर देंगे, और इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी शाशली ग्रेवी डालेंगे इसे थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए। और इसके बाद हम इस पे गार्निशिंग करेंगे थोड़े से धनिए के साथ, और कसूरी मेथी 1 चुटकी, और राइस के ऊपर भी थोड़ा हम कलर दे देते हैं। तो दोस्तों लीजिए तैयार है पनीर शाशलिक। मैं जानती हूँ दोस्तों इसे देखकर ही आपका मन कर रहा है इसे ट्राई करने का, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इसकी रेसिपी का रीकैप देखें। तो आइए नजर डालते हैं इसके रीकैप पर।
पनीर शाश्लिक बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर बड़े टुकड़ों में कटा हुआ, 2 अदद प्याज कटी हुई, 1 अदद हरी और पीली शिमला मिर्च 1 इंच में कटी हुई और 1 अदद टमाटर कटा हुआ। मैरिनेट के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच दही, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 2 छोटा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, 1/4 छोटा चम्मच तंदूरी रंग, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ। शाश्लिक के शोरबा के लिए हमें चाहिए 1/2 कप प्याज का पेस्ट, 1 कप टमाटर का गूदा, 1/2 कप टोमेटो केचप, 1/2 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच तेल और हरा धनिया। सबसे पहले पनीर को मैरिनेट करने के लिए एक बर्तन में डाले दही, कसूरी मेथी, लाल मिर्च का पेस्ट, नमक, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, तंदूरी मसाला, नींबू का रस, हरा धनिया, तंदूरी रंग और तेल और इन सब को अच्छी तरह मिला लें। मैरिनेट में पनीर, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज डालकर अच्छी तरह मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें, फिर पनीर, हरी और पीली शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को लकड़ी की सीख में पिरो लें। इसे पैन में डालकर दोनों तरफ से ग्रिल करें। शाश्लिक के शोरबा या ग्रेवी के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, इसमें डालें कद्दूकस किया हुआ प्याज और फ्राई कर लें। फिर इसमें डालें नमक, काली मिर्च, पानी, टमाटर का गूदा, टोमेटो केचप, रेड चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़ी देर पका लें। आखिर में इसमें मिलाएं हरा धनिया और शाश्लिक ग्रेवी तैयार है। एक प्लेटर और बोल को साथ लें, बोल में शाश्लिक ग्रेवी निकालें और ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करें। फिर पनीर शाश्लिक को प्लेटर में लगा दें, इस पर भी डालें शाश्लिक ग्रेवी, हरा धनिया और कसूरी मेथी। इसे स्टीम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। लीजिए तैयार है पनीर शाश्लिक। उम्मीद है दोस्तों आपने इस रेसिपी को अच्छे से देख लिया होगा। जब आप किचन में बनाएंगे तो ये आपके काम आएगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं रूपाली आपका अक्सर रसोई में इस्तकबाल करती हूँ। फूड ट्रेंड्स में दोस्तों हम आपको सेहत से जुड़ी कई जानकारियाँ देते रहते हैं, तो आइए देखते हैं आज क्या नया है फूड ट्रेंड्स में। आज हम आपको बताएंगे खाने के वो 5 आइटम्स जिसे आपको रोज अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनकी जिस्म को खास जरूरत होती है। पालक में न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा होता है, इसमें विटामिन ए और सी होता है जो कैंसर के खतरे को कम करता है, इसलिए आप कम से कम 1 कप पालक रोजाना अपने डाइट में किसी न किसी तरीके से जरूर लें, क्योंकि ये डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के परेशानी से भी बचाता है। नट्स जैसे बादाम, काजू और अखरोट रोजाना खाएं, क्योंकि इसमें नेचुरल फाइबर होता है और नट्स आपको कई बड़ी बीमारियों के खतरे से भी दूर रखेगा। कच्चे प्याज को अपने खाने में रोज शामिल करें, क्योंकि प्याज में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, ये एस्मा और बढ़ते हुए स्टमक कैंसर के खतरे से बचाती है। प्याज को आप सूप में भी मिला सकते हैं या स्टर फ्राई करके खा सकते हैं। होल ग्रेन्स में आप सारी चीजें खाएं, जैसे गेहूं, जई, ब्राउन राइस, मकई, व्हाइट ब्रेड वगैरह, लेकिन ध्यान रहे रोजाना आपके डाइट में होल ग्रेन शामिल होने चाहिए, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसके अलावा ये वजन कम और हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। दही को अपने खाने का रोज हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को सुधारता है, बशर्ते दही बिल्कुल ताजी होनी चाहिए। दोस्तों फूड ट्रेंड्स में हम आपको खाना, सेहत और किचन से जुड़ी काफी जानकारियाँ देते रहते हैं और आप भी कोशिश करें कि उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें। तो अब वक्त है आपसे राब्ता कायम करने का, यानी कि आपके खतों को शामिल करने का। तो आइए पढ़ते हैं आज का पहला खत। पहला खत है प्रेरणा का झांसी से। ये लिखती है कि केक में से एग की स्मेल को कैसे खत्म किया जा सकता है, कोई तरकीब बताएं। प्रेरणा, केक में अंडे की स्मेल खत्म करने के लिए जब भी आप केक का बैटर बनाएं तो उसमें आप 1 टेबलस्पून हनी डाल सकती हैं या फिर अपनी पसंद का कोई भी एसेंस डाल सकती हैं। ऐसा करने से आपके केक में अंडे की स्मेल नहीं आएगी। तो लेते हैं आज का आखिरी खत। आखिरी खत है जहांगीर का बनारस से। ये पूछ रहे हैं कि मैं जब भी पुलाव बनाता हूँ तो चावल के दाने ज़रूरत से ज़्यादा नरम हो जाते हैं, कोई हल बताएं। जहांगीर, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप चावल बनाएं तो आप उसे धोकर अच्छे से सुखा लें किसी पेपर नैपकिन पे या किचन टॉवल पर, फिर उसके बाद आप उसको उबालेंगे या स्टीम करेंगे तो वह बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और इसके अलावा चावल को आप प्रेशर कुकर में ना बना के कढ़ाई में या किसी पैन में बनाएं और जितना चावल हो उसका डबल पानी लें, यानी कि 1 कप चावल में 2 कप पानी डालें और उसे स्टीम करें।
तो ये था हमारा आज का आखिरी खत। उम्मीद है आप हमारे जवाबों से मुतमईन हो गए होंगे। जायके का कारवां अभी जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए अक्सर रसोई के साथ। से खैर मकदम है, पनीर शाशलिक बनाने के बाद आपका मन नहीं कर रहा कि कुछ मीठा हो जाए? बस आपने मन में सोचा और मैंने सुन लिया। आप कुछ चाहें और मैं ना बनाऊं, ऐसी गुस्ताखी तो मैं कर ही नहीं सकती। तो आइए बनाते हैं पनीर की खीर। तो आइए बनाना शुरू करते हैं पनीर की खीर। तो पनीर की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने बनानी है चाशनी। तो पैन गरम करते हैं और इसमें डालते हैं 4 टेबलस्पून पानी के। तो 4 टेबलस्पून हमने इसमें पानी के डाल दिए हैं और अब डालते हैं इसमें 1.5 चम्मच चीनी का। 1.5 बड़ा चम्मच लें चीनी का, ये एक और ये आधा। और इसको हमने चाशनी को बनाना है जब तक कि चीनी इसमें अच्छे से मिल जाए। और चाशनी में अच्छी खुशबू के लिए हम इसमें डाल सकते हैं 1 से 2 इलायची। इलायची को थोड़ा हम कूट लेते हैं। ये मैंने डाल दिए है इसमें 2 छोटी इलायची। तो दोस्तों पानी भी उबल गया है और चीनी भी अच्छे से मिल गई है इसमें। और अब डालते हैं इसमें 1/2 कप पनीर। ये मैंने 1/2 कप पनीर, तकरीबन 100 ग्राम पनीर है, इसको क्रम्बल किया हुआ है। और इसे मैं चाशनी में इसलिए डाल रही हूँ कि पनीर मीठा हो जाएगा और इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इसे चाशनी में डालकर और सिर्फ 1 ही मिनट के लिए इसे पकाएं, नहीं तो पनीर का प्रोटीन जो है वो हार्ड हो जाएगा। इंडियाज़ लार्जेस्ट न्यूज़ नेटवर्क, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उबलने की वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों दूध उबल गया है, अब इसमें डालते हैं कॉर्नफ्लावर पेस्ट और पनीर। ये कॉर्नफ्लावर पेस्ट भी इधर मेरे पास तैयार है और इधर ये तैयार है पनीर जो हमने चाशनी के साथ मिलाया था। तो गैस को धीरे करते हुए इसमें डालते हैं हम पनीर और इसके लिए बहुत ही क्विक होना है आपने। साथ ही में डाल देंगे कॉर्नफ्लावर पेस्ट, ये दूध को फटने नहीं देगा। और इसे तब तक पकाएं जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए और इसमें डालते हैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान। यहाँ ज़ाफ़रान की कुछ बूंदें डाल रही हूँ मैं। ज़ाफ़रान इसको काफ़ी अच्छा रंग और खुशबू देगा खीर को। तो दोस्तों देखिए खीर काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट लग गए थे। तो लेते हैं इसके लिए सर्विंग बोल। अब इसे हम गार्निश कर लेते हैं। सबसे पहले डालें इस पे थोड़ा सा ज़ाफ़रान और खुशबू के लिए मैं डाल रही हूँ इस पर गुलाब का पानी है ये। और इसके बाद हम इस पर ये डाल रहे हैं चांदी का वर्क, जो कि मिठाइयों पर भी लगता है, ये ऐसे पतले कागज़ में आता है। इसे बहुत ही ध्यान से खोलना होता है और इसके ऊपर ऐसे
चिपका दें। इस तरीके से बहुत ही आराम से कि आपके हाथ पर ना चिपक जाइए। और अब गार्निश करते हैं इसे कटे हुए ड्राई फ्रूट से। यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़े से बादाम, चाहे तो आप पिस्ता भी ले सकते हैं। अभी मैंने बादाम और किशमिश ले रही हूँ। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है पनीर की खीर। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों और मेहमानों को ज़रूर खिलाएं। लेकिन उससे पहले देखते हैं इसका रीकैप। पनीर की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप पनीर, कद्दूकस और चूर किया हुआ, दो कप दूध, चार बड़ा चम्मच पानी, डेढ़ बड़ा चम्मच चीनी, दो अदद छोटी इलायची कुटी हुई, तीन छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर पेस्ट, कुछ बूंदे जाफरान की और कुछ बूंदे गुलाब के एसेंस की। गार्निश के लिए हमें चाहिए चांदी का वर्क, जाफरान, बादाम और किशमिश। सबसे पहले चाशनी बनाने के लिए एक पैन गरम करें, इसमें डालें पानी, चीनी और कुटी हुई इलायची और चला लें। फिर इसमें डालें पनीर और एक मिनट तक पका लें। एक पैन में दूध उबालें, दूध उबलने पर इसमें मिलाएं पनीर और कॉर्नफ्लावर पेस्ट और इसे गाढ़ा होने तक चलाएं। इसमें डालें कुछ बूंदे जाफरान की, इसे फिर सर्विंग बोल में निकालें और जाफरान, गुलाब का पानी, चांदी का वर्क, बादाम और किशमिश से गार्निश करें। लीजिए तैयार है पनीर की खीर। उम्मीद है दोस्तों आपने इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो दीजिए इजाजत अपनी दोस्त रूपाली को। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।